बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक दिन की मेहमान हूँ। आज मैं आपकी मेहमान हूँ। हमेशा नाजरीन जो हैं वो मेहमान होते हैं, लेकिन आज मैं मेहमान एंकर हूँ, क्योंकि अना जो हैं वो एक फैमिली ट्रिप के लिए गई हैं। एक दिन की बेचारी को छुट्टी मिली, तो मैंने कहा ठीक है आप इन्जॉय कर लें, मैं आपकी कमी कोशिश करूँगी कि आपके व्यूवर्स को महसूस ना हो। तो सिटी एट 10 का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, एक दिन एक नहीं। एक दिन एक निकी में आज का बयान सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जन्नत एक खुदाई सौदा है, यानी अल्लाह ताला का सौदा है, और ये बहुत ही महंगा सौदा है। आप इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि दुनिया में हम कुछ पाने के लिए जब एक चाहत रखते हैं तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं। आप देखिए, अपने मकसद को, अपने हदफ को और अपने गोल को हासिल करने के लिए इंसान कितनी स्ट्रगल करता है। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि इंसान की सारी ज़िंदगी उस मकसद के हुसूल में गुजर जाती है, और ज़िंदगी में कभी वो उस मकसद को पा लेता है और कभी वो उस मकसद को पा ही नहीं सकता। कितनी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है। और इसी तरह जन्नत, ये दर हकीकत अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मोमिनीन के लिए, अपने बंदों के लिए, फर्माबरदारों के लिए अल्लाह ने बनाई है। अब ये अल्लाह सुबहानहू व तआला का सौदा है, और ये महंगा सौदा इसलिए है कि इंसान को इस दुनिया में इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ और बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो उसके अपने नफ्स के भी ख़िलाफ़ होते हैं। यानी इंसान के सामने एक तो वो मकसद होता है, वो मंजिल होती है कि जो, जिसे हम कहते हैं कि जो आजिला फ़ौरन इंसान को हासिल हो जाती है, और एक मंजिल वो होती है जिसे हम जलीला, बड़ी मंजिल और बड़ा मकसद कहते हैं। जन्नत दर हकीकत उन बड़े मकासद में से एक मकसद है। मकसद जितना बड़ा होगा, कुर्बानी उतनी बड़ी होगी, सब्र उतना ज़्यादा होगा, मेहनत उतनी ज़्यादा होगी। तो जब अल्लाह सुबहानहू व तआला की जन्नत है, तो वाज़ बात है कि फिर उसके लिए मेहनत और उसके लिए फिर मुशक्क़त, रियाजत, और फिर उसके लिए इंसान को कुर्बानी, ईसार और बहुत से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर इंसान को ये जन्नत नसीब होती है। बेशक हमारे रसूल साहब मजबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत बात की। इसी के साथ हम चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले आज की हमारी जो लीड स्टोरी है, कोई अच्छी खबर नहीं है जी। बिजली 7.90 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त, बिजली पर सब्सिडी देने की सिफारिशात पर विफाक ने एतराज़ात लगा दिए। सरकारी निर्खनामा मजाक बन गया, मसनू महंगाई में लाहौर की पहली पोजीशन बरकरार। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी, बड़े जानवर का रेट लाख रुपए से ऊपर। और कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लाजमी करार दे दिया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, और इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नफीस साहब और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों। वालेकुम सलाम। परेशान हो गए होंगे आप एकदम से देख के आप किधर आ गए। साई साहब तो कह रहे थे सीमल आप इधर क्या कर रही हैं, मतलब लेकिन चलें कोई नहीं, मैंने जैसे कहा कि मैं आप लोगों के, आज आप मेरे मेहमान नहीं है, मैं आपकी मेहमान। तो हम बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन मेहमान कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए। रिजवान नफीस साहब आपसे शुरू करेंगे। आवाम को बड़ा झटका लगने लगा, पहले ही 1 जुलाई से बेसिक टैरिफ जो है उसकी कीमत बढ़नी है, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगर 7.90 रुपये फी यूनिट महंगा हो गया तो फी यूनिट कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखें, ये हुकूमत जब आई थी तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लोग ये समझ रहे थे कि बड़े तजुर्बाकार हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, और महंगाई का जो तूफ़ान है, जो पिछली गवर्नमेंट का तुर्रा इम्तियाज समझा जाता था कि जी PTI की गवर्नमेंट ना तजुर्बाकार है, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये तजुर्बाकार हैं, ये आएंगे तो उसके बाद जो है वो सिस्टम में बेहतरी आएगी और उसके बाद जो है वो चीज़ें सस्ती होंगी। जब से ये आए हैं तब से चीज़ों के नर्ख जो हैं आसमान को छू रहे हैं। आप देखें, फ्यूल की प्राइसेस कंट्रोल नहीं, और ये बिजली के नर्ख हैं आए रोज़ बढ़ा रहे हैं, और आवाम जो हैं अब उन्होंने जहनी तौर पे ये चीज़ उनके जहनों में रजिस्टर्ड हो गई है पब्लिक के,
कि हर 15 दिन बाद जो है बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। बजाय इसके कि आप जिन लोगों को फ्री यूनिट्स देते हैं, लेस्को के, वापटा के जो या दीगर जो अफसरान हैं, उनको जो आप मुफ्त की बिजली देते हैं उस पर कट लगाएं, उनको कट करें, उनके अखराजात कम करें, जहाँ पे बिजली चोरी होती है उसको रोकें। आप आवाम के ऊपर सारा जो मलबा है वो गिरा रहे हैं और आवाम की जेबों से आप अरबों रुपया निकलवा रहे हैं। आवाम तो पहले ही महंगाई से मरी हुई है, तो आप मज़ीद जो है आवाम देखें, बिजली जो है एक तरफ महंगी है, दूसरी तरफ शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। और बिजली आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल की वजह से लाहौर के अंदर 6 घंटे की लोड शेडिंग है आज की डेट में, 6 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हो रही और है। उस पर सोने में सुहागा, कल रात को वजीर आजम साहब खताब कर रहे थे और मैं वो सुन भी रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने बीच में ये भी अनाउंस कर दिया कि जुलाई में लोड शेडिंग मजीद होगी। मतलब अभी जो हम जून में फेस कर रहे हैं, खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जुलाई में ज्यादा लोड शेडिंग होगी, इसका मतलब मजीद मुश्किल वक्त अभी आने वाला है। देखें, ये मियां शहबाज शरीफ जो हैं ये मुस्तकिल यूटर्न्स ले रहे हैं। इससे पहले आप देखें, जब अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया था तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी मजदूर की जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये कर दी गई, ओथ से पहले ही ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद कई ऐसी चीज़ें अनाउंस की, 12 लाख रुपए तक टैक्स की स्लैब ले गए कि जी हमने सैलरीड क्लास को उसको रिवाइज करना पड़ा। अच्छा, मैं आपको भी सामने गुफ्तगू करूंगी कि इस पे एक चीज़ जो कहीं ना कहीं उनकी लॉजिकल और जस्टिफाइबल भी लग रही है, क्योंकि आपने IMF के प्रोग्राम में जाना ही जाना है और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें एडजस्ट करनी है, तो उसकी अकॉर्डिंगली जो भी उनकी शरायत है वो माननी पड़ेंगी। अब करंट गवर्नमेंट, जिसे हम तजुर्बाकार हुकूमत भी कहते हैं, वो ये कह रही है कि क्योंकि पिछले जो हुक्मरान थे, जो हुकूमत थी, वो तमाम वायदे करके गई थी, तमाम एक जाल जो माइंस का है वो बिछा हुआ था, अब हमारे हाथ में या कंट्रोल में कुछ है नहीं। सही साहब क्या कहेंगे आप, 7.90 रुपये फी यूनिट एक बहुत बड़ा झटका है ये बिजली है ना। जब PTI गवर्नमेंट आई थी तो यही बात करती रही है कि हम वो जो 70 साल का गंद है किस तरह 3 सालों में 3.5 सालों में साफ करते। पहले आपने 90 दिन का टाइम दिया, फिर आपने मजीद टाइम दिया और इसी तरह टाइम देते गए और जो मुल्क की बर्बादी हुई आपको पता है। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई बंदे ने काम शुरू करना हो, आप पहले उसकी सारी चीज़ें देख लें, उसके बाद आप बातें करें। ये गवर्नमेंट जब आई है, जैसे शाह जी कह रहे हैं कि पहले दिन इतनी बड़ी बड़ी आते साथ ही बहुत उम्मीद दिलाने वो की जो की। जो सियासी स्टंट होते हैं उसी तरह किया गया। और अब जो सिचुएशन है सीमल, आप भी मेरा ख्याल है क्राइसिस में होगी, चाहे आप जितनी मर्जी सैलरी पर्सन जो है वो बड़े मुश्किल में। बिल्कुल, और अब जब से ये जो सैलरी स्लैब रिवाइज हुआ है और उसके बाद से ज्यादा मुश्किल है। कारोबारी बंदा जो है ना, मुश्किलात उसे भी हैं, लेकिन उसने बर्डन शिफ्ट कर देना एंड कंज्यूमर पे। जो बिजनेसमैन है वो उसकी जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही है मार्केट में, अगर वो 10 रुपए की और 11 रुपए कर देगा, 11 की और 13 की कर देगा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन सैलरी पर्सन जो है उसकी सैलरी बढ़ेगी साल के बाद, वो भी सरकारी वो भी सरकारी मुलाजमन की, तो उनके लिए बड़ी शदीद मुश्किलात हैं। फिर वारदात बढ़ेगी, चोरी डकैती बढ़ेगी, कोई हर जगह पे कोई ना कोई बंदा ढूंढेगा कोई ना कोई तरीकाकार कि वो अपने घर के अखराजात पूरे कर सके। तो जब मियां साहब ने गवर्नमेंट संभाली थी तो 3-4 ऐसे फौरी अनाउंसमेंट की थी कि लोगों के दिलों में घर कर लिया जाए, लेकिन वो हर चीज़ बाउंस बैक हो रही है। और इससे इस गवर्नमेंट अब ये एक बनता जा रहा है इमेज के इनसे जो है वो वफाकी गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही। अच्छा, संभाली नहीं जा रही या संभाल सकते नहीं है, मेरा ये सवाल तो है, क्योंकि खजाना खाली है, पैसे नहीं थे। अब आपको अगर पाकिस्तान, जैसे कहा कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया क्योंकि ऑलमोस्ट IMF से मुआहदा हो गया है, अब उस मुआहदे के शरायत जो हैं वो पूरी करनी थी। आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी महंगी करनी है, यूनिट भी आपने बढ़ा दिया, फिर आपको ऑयल करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से रखना है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रही है। मतलब अब सब्सिडी देना भी चाह रहे हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ। देखिए, ये सारे करते हैं पॉलिटिक्स। ये जब इमरान खान के दौर में ये चीज़ें होती थी तो तब वो ये चीज़ें IMF की शरायत पे कंसिडर नहीं की जाती थी कि जी इसमें ऐसे हो रहा है या आलमी मंडी में सारा इल्ज़ाम भरा जाता था कि ना तजुर्बाकार हैं, इनसे गवर्नमेंट चल नहीं रही और ये लाडला जो है ये मुल्क को किस डगर पर ले गया। लेकिन जब खुद आए हैं, खुद तजुर्बाकार हैं, तो अब IMF की लॉजिक ले आते हैं। असल में मामला तो ये ठीक है कि जी फ्यूल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, आलमी मंडी में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएंगे। सब्सिडी देने के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, लेकिन अगर जब आपके खजाने में पैसे ही नहीं है, तो फिर आप सब्सिडी कहां से? आप नेक नीति से गवर्नमेंट चला रहे हों, नेक नीति से मुल्क चला रहे हों, घर चला रहे हों, तो खान साहब तो एक क्रिकेटर थे, प्लेयर थे, हमेशा हम उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, उसी तरह के फैसले, बोल्ड फैसले, डिसीजन करते रहे हैं। आपको तो सारी चोरी का पता है, आप तो चूंकि बिजनेस कम्युनिटी में आपका बड़ा नाम है, तो
आपको पता है कि बिजनेसमैन कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टैक्स चोरी कर रहे हैं, किस तरह उसकी लीकेज अभी लगाया, आपने जो सुपर टैक्स लगाया, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे आएगा, जो तमाम बड़ी मार्केट्स और सनत्स पे लगाया? इकोनॉमी पे पता नहीं आया ना, ये हम पे बढ़ा सकता है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, वैसे आपकी वही वाली बात कंटिन्यू करेंगे कि सनतकारों पे या कारोबारी हजरात पे जब टैक्स लगाया जाता है तो वो उसका नतीजा, वो जो निचोड़ है, वो एंड कंज्यूमर हमसे शिफ्ट हो जाता है। आप देखें जितने भी सेलर्स हैं, आप गली मोहल्ले के बड़े स्टोर से लेके जो सुपर स्टोर हैं, जो चेन स्टोर हैं शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, उनकी अगर बात करें तो वो करते क्या हैं कि वो आपने परफ्यूम भी ख़रीदा है उसके ऊपर सेल्स टैक्स है, आपने सुई भी ख़रीदी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स आपको चार्ज कर लेंगे, लेकिन वो सेल्स टैक्स उसी शरह से सरकारी ख़जाने में नहीं जा रहा। ये वो काम है जो गवर्नमेंट के करने वाले हैं। गवर्नमेंट बजाय इसके कि मज़ीद पब्लिक के ऊपर बिजली महंगी करके, फ्यूल महंगा करके या बाकी चीज़ें महंगी करके आवाम की गर्दन पर बोझ डाले, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ पर टैक्स इवेजन हो रही है, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो जहाँ पे बिजली चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं या फिर टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं, या जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वो आप सेल्स टैक्स, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं उस पर आप सेल्स टैक्स देते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में और डायरेक्ट टैक्सेस की मद में हर शहरी जो है, एक रेडी बांध जो है वो बेचारा भी जाकर जब कोई चीज़ खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, वो रिटेलर उससे ले लेता है, लेकिन वो आगे सरकार के खजाने तक नहीं जाता। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, मैं यहाँ पे देना चाहूंगी क्योंकि रिजवान साहब आप पीआरए और ये तमाम इदारों को कवर भी करते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो एक रेस्टोरेंट की रसीद शेयर की थी और उसका डिफरेंस बताया हुआ था एंड कंज्यूमर को कि ये पक्की रसीद है और ये कच्ची। पक्की रसीद का मतलब आपसे जीएसटी ले लिया उन्होंने, लेकिन कच्ची रसीद दी है इसका मतलब उनकी अपनी जेब में जा रहा है। कंप्यूटराइज्ड और बाकायदा नंबर अगर लगा हुआ है, टैक्स नंबर उसके ऊपर लाजमी मेंशन होता है, तो इसका मतलब है कि वो खजाने में जा रहा है। तो आई थिंक हम शहरियों को भी अपना रोल जरूर प्ले करना पड़ेगा कि अगर आप 10,000 का खाना खा रहे हैं और उस पर 3-4 हज़ार रुपया टैक्स है, तो मेक श्योर करें कि वो जो रसीद है उसके ऊपर टैक्स नंबर और FBR नंबर मेंशन है। दैट मींस कि आप जो पे कर रहे हैं वो सरकार को। रेस्टोरेंट वाले करते क्या हैं, आपने खाना खाया, आपका बिल बना 10,000 रुपए, वो टैब में आपको ना आके दिखा देगा कि ये आपका बिल है, ये पे कर दें। अगर आप अवेयर हैं, आपने कहा कि जी इसके अंदर सेल्स टैक्स आपने कितना काटा है, क्या आपके पास जो सर्विसेज पे आपने सेल्स टैक्स काटा है, आप रजिस्टर्ड हैं PRA में, आपने पूछ लिया तो वो आपको ना कहेगा कि जी 500 रुपये आपको कंसेशन कर देते हैं, वो जो सरकार के पैसे थे वो आपको कहता है कि आपको कंसेशन कर, 3,000 अगर ऊपर टैक्स है तो 2,500 आप हमें जेब में दे दें और 500 कंसेशन। और आप रेस्टोरेंट्स के हॉल्स देखें, भरे होते हैं, वहाँ पे तिल धरने के लिए जगह नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। और इक्का दुक्का लोग हैं जो पूछते हैं, मेजॉरिटी नहीं कोई भी। मैं ये बात करने का मकसद भी है कि जितने लोग सुन रहे हैं उस चीज का जरूर ख्याल रखें कि अगर आप रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको पता हो वो खजाने में जा रहा है। सही साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सीमा यही बात जो शादी कर रहे थे कि टैक्स की चोरी तो हर जगह पे होती है, और जब आप जिस भी रेस्टोरेंट में चले गए हैं, मैं देखा है कि ईद रेस्टोरेंट क्या सही सब सैलून चले जाएं, मोबाइल लेने चले जाएं, आपको पक्की रसीद नहीं देंगे, तो कोई रसीद मिलती नहीं, सिर्फ एक मोटा सा बिल आ जाता है। मोस्टली तो ये करते हैं कि हाथ से बना हुआ मैनुअल बिल देते हैं, उसमें लिख देते हैं नीचे आपके इतने पैसे कट के। जो पक्की रसीद है वो मेरा ख्याल है 100 में से 5-4 लोग देखते हैं जब बिल अदा कर देते हैं, नहीं तो उसी तरह वो बंद कर देते हैं, कहते हैं आप लीजिए। आप देखें जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप सैलून्स की बात कर रही हैं जिस तरह रेस्टोरेंट्स की, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं कपड़े बनाने वाले, वो आज भी उनके जब प्रोडक्शन यूनिट में आप जाएं ना, वहाँ पे वही टेलर बैठा है, वही उस्ताद बैठा है जो आज भी कान के ऊपर कच्ची पेंसिल लगा के वो पुराने तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, उसको वो डिज़ाइन देते हैं, वो उसके मुताबिक चीज़ बना देता है, उसको जो ब्रांड है वो उसी तरह से पे कर रहा है जो आम एक टेलर को पे किया जाता है, लेकिन वो जोड़ा मार्केट में 10-10 लाख रुपए का बेचा जाता है शादी के जोड़े, लेकिन वो उस पर टैक्सेस नहीं देते। जब सब कुछ कहना चाह रहे हैं सीमल को पता है इस बात का। मैं तो ये सोच रही हूँ, अभी रिजवान साहब ने शादी के जोड़ों की बात की ना 10-10 लाख की, अब आप ये चेक करें, ईद आ रही है और आम ब्रांड्स, मैं कोई लग्जरी ब्रांड्स की बात नहीं कर रही, बड़े आम ब्रांड्स जो आम लोग पहनते हैं, 10,000 से नीचे कोई जोड़ा ही नहीं है। मतलब अगर आपने स्टिच जोड़ा लेना है तो वो 10,000 के अराउंड आ रहा है, मतलब 10,000 की कोई वैल्यू नहीं थी कि एक सूट लॉन का थोड़ी सी कढ़ाई हुई हुई है उसके ऊपर, तो वो 10,000 का आ रहा है। ऐसे मतलब ही है। उसमें आप जब टैक्सेस देखेंगे कि कितने टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स अलग से ऐड कर दिया जाता है, पता नहीं कितने टैक्सेस हम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सर्विसेज आप देख लें गवर्नमेंट की कैसी है। बिजली खराब हो गई वो भी नहीं ठीक होगी, वासा का कोई इशू हो गया वो भी आपको पैसे दे करवाना पड़ेगा, कोई भी काम होगा वो आपको पैसे देकर कराना पड़ेगा। और ये बात हो रही थी बिजली पे वापस आ गए साहब, बिजली बिजली में बिजली महंगी होने की बात हो रही थी पिछले 3-4 माह में, मेरा ख्याल है तीसरी दफा ये बिजली महंगी हो रही है,
जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी थी 2018 में तो इन्होंने खजाना खाली करके दिया था पीटीआई गवर्नमेंट, बिल्कुल आपको पता किस तरह शोर मचा रही थी। इसका बड़ा एक सादा सा वैसे हल है, अपने घरों के मीटर ऑफ कर दो। अब है तो अफोर्डेबिलिटी की स्लैब से तो ये ऊपर इनकी जितनी मर्जी स्लैब्स हो ये लग रहा है अफोर्डेबल आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास खास तौर पर तो पिस के रह गई है। आप एसी नहीं चला सकते, आप कूलर्स पे शिफ्ट हो गए या आप आम पंखे पे आ जाओगे, और गर्मी इस कदर ज्यादा है कि गुजारा नहीं हो पा रहा, खास तौर पर लोड शेडिंग के साथ, क्योंकि लोगों ने अपने यूपीएस वगैरह उतरवा दिए थे। लेकिन अगर अब आप सोच रहे थे लगाने के लिए तो जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि वजीर आजम साहब ने कहा है कि जुलाई में ज्यादा लोड शेडिंग होगी, तो इसका मतलब आपको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जी, हम मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम की अपडेट्स भी ले लेते हैं टुडेज वेदर में। शहर का मौसम कैसा रहेगा, कोई अच्छी खबर सुना रहे हैं या गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी? शहर का मौसम इस वक्त इंतहाई गर्म और मरतूब है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा शहर का जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहेगा। 42 डिग्री का जो दर्जा हरारत है उसका जो एहसास है वो इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है। इंतहाई गर्म मौसम है इस वक्त शहर का, हर तरफ जो शहरी हैं वो पसीने में शराबूर दिखाई दे रहे हैं। कल से एक गर्मी की नई लहर जो है वो चली है, मौसमी शिद्दत के बाइस पसीने में जो है वो शहरी जो है वो भीगा हुआ नजर आ रहा है। पंखे के नीचे बैठकर भी ये पसीना जो है वो खुश्क नहीं हो रहा है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी की गई हैं। शहरियों को इंतहाई जरूरत के वक्त ही इस गर्म मौसम में घरों से बाहर निकलने का कहा जा रहा है, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त अपने सर को जो है वो गीले कपड़े से ढांपे और उसके साथ साथ जो नमकियात भरे मशरूब हैं वो भी इस्तेमाल करें। इंतहाई जो है वो पसीने वाले इस माहौल में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नमकियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ायल होते हैं जिसम से, इसलिए शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नमकियात इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की ये जो लहर है वो आइंदा हफ्ते तक भी जारी रहेगी, बारिश का फिल वक्त कोई इम्कान नहीं है। अमूमन तहम जुज़वी तौर पर जो है वो शहर में बादल शाम के वक्त जो है वो छाएंगे, मगर एक हफ्ते तक महकमा मौसमियात का कहना है कि कोई भी बारिश के इम्कानात नहीं हैं। जी रोमेल, थैंक यू सो मच अपडेट देने के लिए। कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई आपने, मैं आपकी बात ना भी सुनती तो आपका फेस देख के, एक्सप्रेशन देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि बाहर कितनी गर्मी है। और आप लोग भी प्लीज़ अपना ख्याल जरूर रखिएगा, हाइड्रेटेड रहिए, पानी की बॉटल साथ जरूर रखिए। डॉक्टर्स बार बार ये कहते हैं, क्योंकि 42 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अभी रोमेल बता रहे थे तो दिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर और बढ़ेगा और फील लाइक जो है वो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो अपना ख्याल हम सब ने खुद रखना है, पानी की बॉटल साथ जरूर रखिएगा। और गर्मी तो बर्दाश्त हो ही जाती है, लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं होती है, ये हुकूमत को मैं कहना चाह रही हूँ। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अक्सर मैं जो ऑफ एयर बातें हो रही होती है ना वो ऑन एयर भी बता देती हूँ। तो अभी ब्रेक पर आने से पहले रिजवान साहब मुझे कह रहे थे कि ये सारी खबरें जो है ना ऐसा लग रहा है आज महंगाई की हैं। तो रिजवान साहब, आप फील्ड में जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आपको लगता है फील्ड में इसके अलावा कोई और बात हो भी रही है किसी भी डिपार्टमेंट में? आप किसी भी महकमे में चले जाएँ, आप तो पहली बार देखें कि मैं एफ बी आर की बात करता हूँ, जो मुल्क का खजाना भरते हैं। जी जी, चलें अपनी जेबें भी भरते हैं लेकिन साथ साथ जो है मुल्क का जेबें ज़्यादा भरते हैं तभी खजाना खाली होने की ज़्यादा बातें होती हैं। जी, मुल्क का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला इदारा है एफबीआर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसर हैं, एम्प्लाई तो चलें करते रहते हैं प्रोटेस्ट, अफसरों ने पहली बार जिसमें ग्रेड 1 से 22 तक के लोग थे उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा, महंगाई की वजह से कि जी हमारी महंगाई के तनासुब से तनहाई नहीं बढ़ाई गई, 100% परफार्मेंस अलाउंस का मुतालबा है, उसके साथ साथ फ्यूल का मुतालबा है कि जी फ्यूल हमें 40% इजाफी दिया जाए। तो ये सारे मुतालबात, आप जो ग्रेड 17 से लेके 22 के लोग हैं इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, उसके बावजूद मौजूदा महंगाई ने उन्हें इफेक्ट किया है। ये बहुत अच्छी सैलरी से आपकी क्या मुराद है? मुझे तो लगता है जो बहुत अच्छी सैलरी होती थी अब वो स्लैब से दो स्टेप्स पे है ना नीचे आ गई। उनकी सैलरी अच्छी होती है, जाहिर है जब आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे घर में मुलाजिम होता है, सैलरी बढ़ने की गाड़ी सरकारी, फ्यूल सरकारी, पर्क्स ज्यादा होते हैं, सरकारी सारा कुछ इनके पास है, पैसे तो बचत के होते हैं। उसके बावजूद सड़कों पे आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। तो फिर आप सोचिए रिजवान साहब के एक आम आदमी का क्या हाल हो रहा है, और खास तौर पर जब गवर्नेंस आपको नजर ना आए। एक तो महंगाई है, ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है। उसके बाद आ जाती है गिरा फरोशी, उसके बाद आ जाती है जिसका जितना दिल कर रहा है वो कीमतें वसूल कर रहा है। और सही सब यही हो रहा है जी, खाने पीने की चीज़ें, अशियाए खुरनोश जो सरकारी नेट नामे में एक कीमत तय की जाती है,
आपने कीमत ऐप भी बनाई जो पिछले दौरे हुकूमत में बनाई गई कि उसके ऊपर भी कीमतों का तायुन जो है वो फिक्स्ड नजर आता है उसके ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा। फिर आप बड़े आराम से कह देते हैं जी शिकायत करें जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। 10-12 साल हो गए आपको इस फील्ड में जी, आप फील्ड में भी जाती हैं। इशू से रोना है मेरा वैसे, ये सरकारी निर्णयनामे का फैंटेसी पेपर जो है ना, एक चीज जो मार्केट में आप कहते हैं कि इसकी 10 रुपये कीमत फिक्स कर दें, अगर उसकी कीमत 12 रुपये बन रही है, दुकानदार कैसे आपको 10 रुपये में दे? ये मसला आज तक और फिर आप जब आप मुझे बताएं, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे आप चीनी लेने जाएं तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जो मट्टी नहीं होती और वो किसी बारीक सा दाना और पतली, फिर इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी सब स्टैंडर्डाइज। तो कीमतों का तयन करने के लिए जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ये भी दिहाड़ी प्रोग्राम होता है जो ये जितने चेक करने जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, मैं चूँकि बाज़ार में अक्सर बैठता भी हूँ, 1,000 से लेकर 5,000 तक रेट होता है, वो जो चेकिंग के लिए टीम आई होती है वो उधर जाती है। जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं कि आप शिकायत करें, तो एक कैंपेन चल रही थी, मैंने बनाम सरकार शुरू किया इसके ऊपर, एसी को साथ लेकर मैं गई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे साथ थे, FIR दर्ज जो इस कानून के तहत किया, जब आपके साथ प्रोग्राम किया था उसमें FIR दर्ज हुई होंगी, उसमें चेकिंग भी आई होंगी, की भी होंगी, आपने वो ई जो आपकी ऐप है वो चल भी गई होगी, लेकिन जो आप रियलिटी में देखेंगे तो फिर वही बात है कि शाह जी कह रहे थे कि 22 ग्रेड के अफसर ने भी एहतजाज किया है, तो उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, उनके साथ भी फैमिलियां हैं, और उनको जब एक इजी टारगेट मिलता है, चूँकि दुकानदार जो है उसने अपनी जो उसका एक तो एक्चुअल अमाउंट उसने लगाई होती है, उसमें फिर बचत भी लेनी होती है, तो जब गवर्नमेंट के जो रेट्स होते हैं उसके मुताबिक उसको बचत उस तरह नहीं आ रही होती जितने उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, फिर उसने दिहाड़ी लगानी है, रेट्स बढ़ाने हैं, महंगा बेचना है, फिर मार्केट्स वालों को पता होता है, ये कमेटियों को भी पता होता है कि फलां फलां जगह पे चीज़ें महंगी बिकती हैं, फिर इनकी आपस में बात करते हैं। ये एरिया वाइज भी है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना रिजवान साहब, आप यहाँ कोट लखपत से अगर फल लेंगे तो शायद शहर में वन ऑफ द रेयर प्लेसेस जो सस्ता मिलेगा आपको, जैसे जैसे आप गुलबर्ग साइड पर जाएंगे, कनाल साइड पर जाएंगे, महंगा होते जाएगा। अब मैं अपने घर के पास की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा महंगा फल जो है ना वो DHA के बाद बरकी रोड से मिलता है, जो आपको 150 रुपया आम सरकारी नियतनामे पर रेट दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो आपको आराम से 350-300 में मिल रहे हैं। आप देखें अगर क्या है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी का या जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इनका, अगर आपको चेक नज़र आता है ना मॉडल बाज़ारों के अंदर या फिर इतवार बाज़ारों में, ओपन मार्केट पे इनका कोई चेक नहीं है। क्लेम तो ये करते हैं, क्लेम करते हैं, सिर्फ दावे करते हैं। आप मॉडल बाज़ार में चले जाएं, वहाँ पे मार्केट रेट से ना आपको 5-10 रुपये कम निरखों पर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो वज़न में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये क्वालिटी के अंदर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो चीज़ बाहर आपको बेहतर मिलेगी वो अंदर से आप लेंगे जब मॉडल बाज़ार से या इतवार बाज़ार से उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड होगी, वहाँ पे चीज़ें बासी होंगी या फिर उनके वेट में कुछ ना कुछ करेंगे। जिस तरह शाही साहब ने बात की कि जितना नर्ख गवर्नमेंट की तरफ से तयन किया जाता है मॉडल बाज़ारों में इतवार बाज़ारों में उतनी उनकी कास्ट आ जाती है और उन्हें बचत नहीं होती, वो फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करते हैं कि वो अव्वल दर्जा की चीज़ का रेट लेते हैं जो कि सरकार ने तय किया, लेकिन आपको दर्जा दोयम या स्वयं की चीज़ आपको थमा देते हैं कि ये ले आ, जाहिर उन्होंने बचत करनी है कुछ ना कुछ। अगर आप ये बात है मॉडल बाज़ारों की और इतवार बाज़ारों की, अगर आप ओपन मार्केट में जाएं वहाँ पे सिरे से कोई चेक नहीं है, हर साथ साथ खड़े होते हैं लोग, हर किसी का अलग से रेट है, आप किसी के पास आगे से क्लेम ये किया जाता है जी हमारी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, शर्तियाँ मीठे मिलेंगे आपको, खराब नहीं होंगे, थोड़े से 50 रुपये ऊपर दे दें पर के जी, लेकिन फल अच्छा होगा, तो ये लॉजिक समझ नहीं आती है। और फिर खास तौर पर जब अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नाराज़ हो जाती है कि जी बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बेजा तनकीद का निशाना ये मैं रिजवान नकवी साहब या सईद साहब नहीं बना रही, ये आपकी अर्बन यूनिट की रिपोर्ट है जिसमें लाहौर पहली पोजीशन उसकी बरकरार है मसनू महंगाई में, एक महंगाई जो जेनुअन है, लेकिन जो आर्टिफिशियल महंगाई है उसमें लाहौर का पहला नंबर है, तो जिम्मेदार कौन है? किसी ना किसी से तो पूछना पड़ेगा ना हमें। सीमल, ये जो इस तरह के लोग जो ज़िली इंतज़ामिया के लोग हैं ना, मोस्टली उनको तो नहीं पता महंगाई का, क्योंकि उनके कपड़े भी फ्री सिलते हैं, उनके घर में जो गोश्त जाता है वो भी फ्री जाता है, उनके घर में जो सब्ज़ियाँ जाती हैं वो भी फ्री जाती हैं, चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनके साथ अटैच होते हैं और उनको पता है कि ये मेरे काम आ सकता है। तो फिर इसका मतलब ये बातें सही हैं। अब ये देखें मार्केट में 1750 से 1800 का मटन एहसास ही नहीं ना हो सकता कि गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया मैं 1400 या 1500 किया होगा, तो जो बकरा खरीदता है जब उसको ज़िबा करवाते हैं स्लाटर उसे लेके आते हैं, वो आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए ना कि एक
चीज़ की कास्ट क्या आ रही है, उसमें बचत क्या देनी है, एक बंदे ने दुकान बनाई है उस पर उसके क्या अखराज आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख के आपको कीमतें फिक्स करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमने एहतजाज किया है तो फौरी तौर पे डीसी साहब कहें कि अब 200 रुपये नहीं है जी, हम इसको 175 रुपये कर देंगे। अच्छा, और उसका खर्चा 250। आपकी बात बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मैटर करता है। बार बार चेक एंड बैलेंस अगर आप रखेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ दी एरिया के पूरे शहर में आप किस तरह मेक श्योर कर रहे हैं कि जो कीमत आपने तय की है उस पर बिक रही है, जब तक आप चेकिंग करते रहेंगे शायद सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेकिन जैसे ही आपने चेकिंग करना छोड़ी, फिर शुतुरे बैल मुहार की तरह हर ग्राह फरोश जो है वो अपना रेट अलग से रख देगा। इसी के साथ एक और थोड़ी सी बुरी खबर है जी ख्वातीन के लिए, और वो इसलिए कि अब जो है वो धागे बुकरम जो तमाम मटीरियल हमारे कपड़े सिलाई में इस्तेमाल होता है ये महंगा हो गया, और महंगे होने के बाद फिर दर्जियों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। तो भाभियों ने जो ईद पे कपड़े सिलवाने हैं, अब आप यकीन जानिए रिजवान साहब और सही साहब आपसे पैसे ज्यादा लेंगे। वो 1500 जो लेते थे अब वो कहेंगे रेट पुराने हो गए, 2000 रुपया लेंगे बाजी, वरना हमने सूट नहीं सिलवाया। नहीं सॉरी, मैं शाह जी को यहाँ पर कथा कलामी की माफी, ये भी हम पे ही बोझ कन्वर्ट होगा। वही तो कह रही हूं, आप ही की जेबों पर आएगा। बिजनेसमैन पे आप टैक्स लगता है ना, तो हम पे कन्वर्ट होता है। ये देखिए नजारा, एक एक छोटी छोटी चीज मिलके पूरा एक प्रोडक्ट महंगा कर देता है। आपने तो कहना कि ईद आ गई है, आगे से कोई और इवेंट आ गया, कोई और फंक्शन आ गया, आपने तो उस तरह सूट लेने सिलने भी दे देने। एक शौक होता है खवातीन को कपड़े बनाने का, वो भी आप महंगा करते। कितने को कपड़े बनाने कितने को बनाने के? अब रेडीमेड तो आप यकीन जानिए कि आप इतने ज्यादा रेडीमेड कपड़े नहीं ले सकते, आपकी कुव्वत इस्तेआत ही उतनी नहीं रही है। अब दर्जियों से सिलाने वाला हाल ये आप सोचिए ना, कुव्वत इस्तेआत नहीं रही उस तरह, खुद मशीनें लगा के बैठ रहे हैं हम। देखिए साहब घर में खुद लगा के बैठे, आप जब छोटे होती थी तो माए खुद ही घर में सिलाई करती थी। वैसे मुझे लग रहा है वापस जा रहे हैं, अब आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि आप देंगे सीने आने चाहिए। कितने सूट जो है वो सिलवाने, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हेटर्स ने आपको किया है, क्योंकि आप बोल रहे हैं रिजवान साहब आप क्या कहेंगे। देखिए जब भी गवर्नमेंट की तरफ से ना, जिस तरह ये बिजली के फी यूनिट बढ़ाए गए, तो जैसे ही चीजें बढ़ती हैं, जिन लोगों ने स्टॉक रखा होता है ना चीज़ों का, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, उनकी चांदी हो जाती है, वो चीज़ों के फिलफोर रेट बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं जी स्टॉक नया आ गया, वो उनके पास स्टॉक पड़ा होता है, गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर के लिए भी यही होता है ना, एकदम से कीमतें बढ़ा दी, पुराने स्टॉक को वो कमा लेते हैं। हर चीज जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसने मौजूदा दौर में भी और पिछले दौरे हुकूमत में भी, तहरीक इंसाफ जब रूल कर रही थी, बड़े पैसे कमाए हैं। इधर एक अनाउंसमेंट हुई कि जी आपको मुश्किल वक्त से गुजरना होगा और आपको अभी मजीद सब्र करना होगा, आपने घबराना नहीं है। साथ ही जो जिनके पास स्टॉक पड़ा है, चले गए अब घबरा ले, जाहिर लग रहा है भुगत ही रहे हैं। जो नए आए हैं उनकी वजह से उन्होंने तो बिल्कुल आके बेड़ा गर्क कर दिया कि लोगों को, अब लोग जो है, जो बंदा एक जॉब कर रहा था उसको गुजारा नहीं हो रहा, अब लोग बड़ा संजीदगी से, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, यही हर जगह पे यही डिबेट चल रही है, सरकारी इदारों के अंदर भी बैठ के यही काम हो रहा है। सरकारी इदारों में अगर कोई काम, वो स्पीड मनी के नाम पर अगर पैसे लेते थे, उसके रेट डबल हो गए। लोग कहते हैं जी गुजारा नहीं होता, करप्शन को लोगों ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, करप्शन का रेट बढ़ गया कि ना करें तो गुजारा कैसे होगा, गुजारा नहीं होएगा। बिल्कुल सही, आप देखें कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी पब्लिक जो है वो घबराए ना, आप की मदद से हमने जो है ना मुश्किल फैसले करने हैं, दूसरी तरफ आप देखें या तो आप अपने शहाना जो आपका तर्ज रिहायश है या जो आपका लाइफ स्टाइल है उस पर भी आप कट लगाएं, आप जो आपके वजरा हैं, जो आपके मुशीर हैं, जो आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके आप घर जा के देखें। वहाँ पे अभी कल कैसर खोखर साहब की एक खबर थी कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं सिविल सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटरी साहिबान अभी दफातर में पहुँचते नहीं हैं, लेकिन उनके एसी चल रहे होते हैं, घर से फोन चला जाता है हमारे, नहीं नहीं वो एसी फोन के बगैर ही सुबह 9 बजे चल जाते हैं, ये साहब आए ना जो सारा दिन चलते रहने। आप देखें किसी जगह पर भी कोई भी सरकारी अफसर है, उसने गाड़ी जब गाड़ी तक जाना है तो उससे कम से कम 20-25 मिनट पहले वो गाड़ी स्टार्ट होती है, एसी चल रहा होता है, तो कौन सा पल्ले से जाता है? आपने जेब से नहीं देना ना, ना बिजली का बिल, ना आपने अपनी 4500 सीसी गाड़ी का फ्यूल, क्योंकि ये सारा कुछ तो ऑलरेडी पेड मिलता है। और फिर आप कहते हैं जी सेक्रीफाइस आवाम करे, और आप देखिए कि ये कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ सालों पहले ही 6 फिगर सैलरी यानी कि लाख से ऊपर तनख्वाह बहुत अच्छी सैलरी कंसिडर की जाती थी, अब तो मुझे लगता है कि लाख से ऊपर सैलरी वाले रो रहे हैं, तो उससे नीचे के स्लैब वाले लोग बेचारे क्या कर रहे होंगे। और फिर इसी के साथ क्योंकि हम बार बार ईद का जिक्र कर रहे हैं, तो ईद के हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि इस वक्त बकर मंडियों में जहां मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, इस कदर महंगाई का तूफान नजर आ रहा है कि शहरी बेचारे डर के जा भी नहीं रहे। एक तो होता ना हाथ लगा के वापस आ गए, अब तो ऐसा लग रहा है जा ही नहीं रहे, अभी से नहीं जा रहे, देखने के वहां सिचुएशन क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। We'll be right back.
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे रिजवान साहब। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी ना होने के बराबर, यहाँ तो लिखा हुआ था बढ़ने लगी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक लोग जो हैं वो सिर्फ सोच भी नहीं रहे कि लें, क्योंकि बड़े जानवर का रेट लाख से तो ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, शहरियों की कुव्वत खरीद कम हुई है, महंगाई बढ़ गई, अखराज पूरे नहीं हो रहे, लोगों ने कुर्बानी तो करनी है, लेकिन उसके बावजूद जो पहले सालों में गहमा गहमी पिछले सालों में नज़र आती थी वो नज़र नहीं आ रही। वजह यही है कि जी महंगाई है, चूँकि हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो बढ़े हैं, तो लोगों की जिन्होंने जानवर रखे हुए थे जाहिर है उनकी कास्ट उस पर ज़्यादा आती है, वो उनकी जो चारा है खुराक है वो उसकी कीमतें बढ़ गई। उसके बाद लोग जब दूर दराज इलाकों से लेके यहाँ तक आते हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बढ़ गई, बेच के तो उन्होंने जाना है। और लोगों के जहनों में शायद ये होता है कि जी आखिरी दिनों में ना, आपने देखा होगा ईद वाले दिनों में भी लोग जाके खरीदारी कर रहे होते हैं, और चांद रात पर जाकर ले रहे होते हैं, चांद रात के दिन भी। लोगों के जहनों में जो तजुर्बाकार ग्राहक हैं वो ये समझते हैं कि एक तो शहरों के अंदर जानवर को घर में रखना भी एक मसला होता है, यहाँ पे चारा और बाकी चीजों का वो सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल काम लगता है लोगों को। दूसरा, लोग ये समझते हैं कि व्यापारी जो कि दूर दराज इलाकों से जानवर लेके आए हैं वो वापस नहीं लेके जाएंगे, उन्होंने आखिरी दिनों में भले सेल करें, आखिरी दिनों में रेट्स जो हैं वो नस्बतन मार्केट के लेवल पे वो ले आते हैं। सही है, सही है। उससे पहले जो है उन्होंने रेट्स वहाँ रखे होते हैं कि लोग जाते हैं और घूम फिर के वापस आ जाते हैं। उसमें भी तो ये देखें ना कि अगर एक व्यापारी आज ले के आ गया है, अपने 10-12 बैल लिए है, 10-12 बकरे लिए है, तो रोज़ाना उसकी कास्ट भी चेक करें उसको क्या है वहाँ पर एवरेज पड़ रही है, क्योंकि आजकल जो पहले वो खल बंडा जो है वो भी बहुत महंगा है, फिर जो आपको चारा देते हैं जिसमें अब तो मेरा ख्याल मकई ही मिलती है, आजकल तो शटाला होता नहीं, तो वो भी काफ़ी महंगा है, फिर उनको वहाँ मंडी में भी जो उन्होंने एक लेना होता है अड्डा सा बनाया होता है उस पर भी पैसे देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है, तो वो तो पहले ही कहते हैं जी आजकल महंगाई बहुत हो गई है, जानवर हमने पाले हैं पूरा साल। सही साहब, आम आदमी जो है ना वो अब बकरा छोटा जानवर तो ले नहीं सकता ना, तो आप नहीं, वो छोटा सा बकरा ले, अब वो जो हिस्सा आपको 13-14 हज़ार में भी मिल जाया करता था वो इस दफा अभी से जो आवाज़ आ रही है वो 20 से ऊपर है, वो कुर्बानी और कसाई का डाल के उससे भी ज्यादा, कसाई के भी रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि उसने भी कहना है महंगाई है, आपको हर बंदा यही कहता था। यहाँ पे हर, ये मुझे लग रहा है एक थ्रेड चल रहा है, हर चीज का लिंक एक दूसरे से है और वो बढ़ता चला जा रहा है, और फिर मौसमी कसाई भी बहुत से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही, और एंड में ये है जी महंगाई बहुत हो गई। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और नाज़रीन जब भी अब कोई नई अनाउंसमेंट आती है, जब टैक्स लगता है, कोई नया डिसीजन आता है, तो हमेशा ये इस बात सुनने में आती है कि जी मुश्किल फैसले हैं, आवाम साथ दे, कौम साथ दे, मुख्तलिफ तबकात से जो है वो साथ देने की रिक्वेस्ट की जाती है। इसमें बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ताजर बिरादरी का भी आता है, वो चाहे टैक्सेस के मद में हो, महंगाई कम करने की मद में हो, मसनू महंगाई कम करने की मद में हो, या फिर एनर्जी क्राइसिस में बिजली की बचत के लिए मार्केट टाइमिंग्स को कंट्रोल करने के हवाले से हो, इन तमाम मामलों में वो पेट्रोल महंगा हो रहा है या बिजली महंगी हो रही है, ताजर बिरादरी का क्या टेक है, और ताजर जो है वो इस हवाले से क्या ख्याल रखते हैं, इस मुश्किल हालात में गवर्नमेंट का साथ देना आसान है या मुश्किल, ये उन्हीं से जान हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं जी अंजुमन ताजरान लाहौर से, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले कि हम टॉपिक पर आए, मैं आपको सालगिरह विश करना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। भट्ट साहब, हुकूमत कहती है मुश्किल वक्त में साथ दें, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आजकल मुश्किल है मुश्किल वक्त में साथ देना या अभी गुजारा चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमेशा सिटी 42 ने ताजरों के मसाइल, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात के हल के लिए हर दम जो है कोशिश की है, और आज जिस तरह आपने इज़्ज़त दी और मुझे बुलाया अपने ताजरों की नुमाइंदगी करने के लिए, कि उसमें से मुश्किल वक्त में आया सिर्फ हुकूमत ये बताए, सिर्फ ताजरों ने ही साथ देना है कि हुक्मरानों ने भी इस मुल्क पाकिस्तान का साथ देना है, कि भी ताजर टैक्स भी दे उसी को ही निचोड़ा जाता है, ताजर जो है कि हर तरह का तावन भी करे फिर भी उस पर मुसल्लत हर चीज़ कर दी जाती है, क्या ये हम सब ने मिल के अगर करें वो ज़्यादा मुल्क के लिए बेहतर नहीं? मेरे ख्याल से मुल्क को इस टाइम सबके तावन की ज़रूरत है, कि हर शहरी और हर जो है वक्त का हाकिम जो है वो इस मुल्क के साथ तावन करे।
मैं समझता हूँ कि जितने हमारे जो है यानी हुक्मरान जैसे जरदारी साहब हैं या और दीगर हुक्मरान हैं मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सब जो है अपनी जेब से अपने खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। आया इस टाइम तो बड़ा अच्छा मौका है कि अभी गवर्नमेंट में बैठे हैं और सब जमातें इस चीज़ पे जो है मुत्तफिक हैं कि हमने मुल्क को जो है एक इस अंधेरे में से निकालना है। कि आया क्यों नहीं ये असम्बली से पास करवाते कि जितनी मरात हैं कि हमारे जैसे पीएम साहब या सीएम साहब यानी ये नहीं कि सिर्फ सूबा पंजाब के तमाम जो है वो इस चीज़ का अहद करें कि हम इस मुल्क को कर्ज़े से निकालने के लिए हम अपनी मरात बंद कर रहे हैं और इनके लिए कोई इस टाइम मुश्किल नहीं है इनकी क्योंकि सब जमातें मुत्तफिक हैं। बट साहब ये आपने जो टॉपिक बताया ना, अभी पिछले ही हफ्ते मैंने बनाम सरकार का ये शो किया, मैं असम्बली पहुंच गई, तमाम असम्बली मेंबरान से मैंने कहा कि आपको जितने दिन सेशन चलता है 5000 TADA मिलता है, 1,72,000 आप लोगों की तनख्वाह है, फिर इसके साथ साथ आपको पूरा साल मेडिसिन फ्री मिलती हैं। एक गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा ना महंगाई की वजह से, तो आप कम क्यों नहीं करा देते, ख़त्म क्यों नहीं कराते? सब ने अलग ऐलान TV पे आकर वादा किया जी ज़रूर करेंगे, वज़ीर ख़जाना ने कहा मैं अंदर जाके सजेशन देता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है, अंदर जाके किसी ने बात नहीं की। होता ही है कैमरे के सामने सब मान लेते हैं हाँ जी कम होना चाहिए, लेकिन असम्बली फ्लोर के ऊपर बिल ना पेश किया जाता है, ना वहाँ पर बात होती है, ना कोई सोचता है। असल में गवर्नमेंट समझती है कि ये जो अवाम है ये एक हजूम है, क्योंकि हमेशा जो है कि तब्दीली तभी आती है कि जब एक कौम बन के काम किया जाए, वो हमें समझते हैं कि हजूम है कि इन्हें जैसे जो है जिस तरफ इनका रुख करेंगे ये चल पड़ेंगे, और ये हम सब ताजर बरादरी के लिए और पूरी अवाम के लिए सोचने की बात है कि आया हम पे फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं और नाम उनको दिया जाता है, IMF ने ऐसा बोला, IMF की शरायत है, उनकी तरफ से हदायत हैं। अब तो बखूबी हर इंसान जानता है कि हमारे मुल्क का जो बजट है, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, वो IMF चला रही है। IMF ये क्यों नहीं कहती कि फलां वज़ीर के बच्चे जो बाहर अमेरिका पढ़ने गए हैं या बरतानिया पढ़ने गए हैं, कि आया उनका ख़र्चा जो है इनके पास कहाँ से आया, इनकी आमदन से ज़्यादा इनके असासे हैं, ये कहाँ से आए? लेकिन बट साहब चले ये एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि फिर जब आप प्रूफ करने की बात आते हैं तो 3.5 साल के दौरे हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में, वो साबित नहीं हो सका, तो ये बातें ज्यादा रह जाती हैं और साबित चीजें उस तरह से नहीं हो पाती। अब आप आ जाते हैं करंट इशू के ऊपर, टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल सब चीजें, फ्यूल ईंधन बिजली सब महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल। अब ताजर बरादरी के बारे में एक आ जाता है कि उसका जो निचोड़ है वो एंड कंज्यूमर पे ही निकलता है, मतलब आप पे जितने भी टैक्सेस लगेंगे आपने ग्राहकों से ले लेने हैं, तो आम आवाम पिसती है। इज इट ट्रू, ऐसा ही होता है कि कुछ बोझ आप लोग भी बर्दाश्त करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर एक चीज मुझ पर टैक्स लागू हुआ है मैं अपनी जेब में से दूँ, ये तो मुमकिन नहीं है। वो लाजमी बात है, अगर कोई कंपनी से जिससे मैं माल लेता हूँ या कोई ताजर माल लेता है तो उसने आगे कस्टमर पे उसी माल पे जो है डालना है। सपोज एक कंटेनर बाइट से आ रहा है, वो हमें एक करोड़ का कंटेनर पड़ा, उस पर खर्चा डाल के यानी 1.5 करोड़ उसकी मालियत आ गई, तो उसने टोटल उस पर एवरेज करनी है कि मुझे माल कितने का पड़ा। अगर उसने अपनी सोचा हुआ ना कि मैंने 20 लाख रुपया कंटेनर, सपोज आज से 5 साल पहले 20 लाख कंटेनर बचता था, तो वो कहेगा मैंने अपना 20 ही रखना है, कभी इसे जो है प्राइस बढ़ा दो। तो ये जितना पेट्रोल महंगा हुआ है, जिस तरह बिजली महंगी हो रही है, ताजर जो है हर मुल्क का जो ताजर है, ताजर एक मखसूस जो है लोग हैं, उन बेचारों का सोचें जो 22 करोड़ अवाम में से अगर आप जो इंडस्ट्री वाले हैं या जो ताजर हैं या जो वेल सेट हैं उनको निकाल दें, कितने लोग सफ़ेद पोश जो है बचते हैं। अगर एक इंसान की तनख्वाह 30,000 है या जो बहुत बेहतर है किसी जॉब पर, उसकी जो है 1,00,000 रुपया होगी, कभी वो कैसे गुजारा करेगा, वो कैसे पेट्रोल डलवाएगा, कैसे अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में भेजेगा, क्लास तो बेचारी बहुत परेशान है। जी बिल्कुल। और कैसे जो अपने घर का वो सिलसिला चलाएगा, कभी आया ये इस चीज़ का भी सोचा जाए कि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, नेगेटिव साइड पे जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह क्राइम लाहौर में बढ़ते जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जब किसी का बच्चा भूखा होगा वो तो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि मेरा बच्चा भूख से रोए, और वो हालात जो है बिगड़ते जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। कि भाई हुकूमत को यानी ताजरों को रिलीफ देने की बजाय
उनको तंग तो नहीं करना चाहिए। अगर जो है आपने, लेकिन फिर गुजारा कैसे करें? अभी आप जैसे कह रहे हैं रिलीफ दें, सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है किसी भी सेक्टर में। ताजरों को टैक्स पे रिलीफ देते हैं, जैसे भी सैलरी क्लास को उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की, वो रिवाइज हो गया, IMF की शरायत में शामिल नहीं है। आपको IMF का $1 बिलियन भी चाहिए। अब आप कहीं ना कहीं तो आपको टैक्सेस इकट्ठा करने हैं, कहीं ना कहीं तो आपको पैसे लेकर आने हैं, वो चाहे सुपर टैक्स की मद में हो, वो चाहे डीगर टैक्सेस की मद में हो। सिस्टम कैसे चलेगा अगर रिलीफ देने इन्होंने इन्होंने देखें टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, लेकिन इन्होंने सब कुछ तो बंद कर दिया है। टैक्स कैसे मिलेगा कि भाई जो जो माल इम्पोर्ट हो रहा था, सपोज जिनका वहाँ से इम्पोर्ट कर लिया, जो कंटेनर लोड हो चुका है, इन्होंने हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी, वो आएगा वहाँ रेवेन्यू में, आखिर कुछ ना कुछ रेवेन्यू इन्हें इकट्ठा होगा ना उसका, जो वो टैक्स देगा। फिर उसके बाद इन्होंने हर चीज़ बंद करने का फैसला कर दिया, टैक्स कहाँ से इकट्ठा होगा? कभी इन्हें इन्हें चाहिए कि आया बिजली बचानी है, सोलर की तरफ सबको लाएं, और लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं, लेकिन बट साहब लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए। जी बिल्कुल, एक तो अवेयरनेस भी चाहिए, दूसरा ये कि एक साथ लोगों के पास 10-15 लाख रुपया नहीं होता अपने पूरे घर को कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि सोलर कंपनीज के साथ मुआयदे होने चाहिए, इजी इंस्टॉलमेंट पे शुरू करा दें, थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चले, उससे भी बिजली बचत में काफी फायदा। जी बिल्कुल, बैंक्स जो है ये हुकूमत आने से पहले, हमें इस टाइम ये नहीं कि खान साहब ने 4 साल गुजार दिए ये कहते कहते कि भाई चोर हैं चोर हैं चोर हैं, और ये गुजार दें पिछली हुकूमत ने ऐसा किया, ये भुला के बैंकों ने ये पिछली हुकूमत में बैंक जो है यानी लोगों को इंस्टॉलमेंट पे दे रहे थे, उन्हें जो है क्योंकि उनके आखिर लोगों को हुकूमत कहाँ से देगी, वो कह रही हमारे पास नहीं है हम कहाँ से दें। बैंक्स को हुकूमत जो है ये कायल करे कि आप जो है कि लोगों को यानी सिर्फ और सिर्फ इस पे कि भाई सोलर के लिए आप जो है इन्हें यानी सिस्टम लगवा के दें। वो सर अभी भी दे रहे हैं 25-26% इंटरेस्ट के ऊपर, जो एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। जी अभी उन्होंने इजी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे इतना ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, उसको आसान करना। अभी अभी उन्होंने, मैंने परसों ही इस पे मैं मालूमात कर रहा था, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में इसमें काफी जो है नरमी थी, इस हुकूमत में काफी सख्तियाँ हो गई हैं। कहते एक तो हमने अपनी भी सिक्योर देखनी है कि हम कैसे सिक्योर रहेंगे, जैसे जितने नए प्लाजे या कोई दुकान या कोई मकान बन रहा है, हुकूमत मत नक्शा पास करे उन्हें कि जितनी देर तक सोलर नहीं लगेगा उतनी देर तक ये नक्शा पास नहीं होगा। मतलब थोड़ी सी आप कह रहे हैं सख्ती करने की जरूरत है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिजली की बचत में कहीं ना कहीं हुकूमत ने जो अब डिसीजन लिया है कि टाइमिंग फिक्स करनी है, 9 बजे मार्केट्स बंद करनी है, 9 to 9 चल रहा है, संडे बिल्कुल ऑफ रहेगा, इस पर आपका क्या टेक है? जी मेरा ख्याल है अगर हुकूमत सरकारी दफातर में अपने AC कम कर दे, ख़त्म ना करें, यानी जिस तरह हम घरों में हमने मैनेज किया ना, कभी 26 पे टेम्परेचर कर लिया कि भाई हमने गुजारा करना है, हमें बहुत ठंडा नहीं चाहिए कि गुजारा होना चाहिए, और जब जहां अगर कमरे में बैठे हैं कमरे का AC चलाते हैं, अगर लाउंज में बैठे हैं लाउंज का चलाते हैं, और इसी तरह जब दुकान पर जाते हैं या दफ्तर में जाते हैं उस टाइम पर ही AC चलता है। यहाँ होता क्या है, आप जिस मर्ज़ी जो है सरकारी इदारे में देख लें, बल्कि आप तो फील्ड में प्रोग्राम करते हैं, आपने देखा होगा, बल्कि एक दिन मैंने आपका प्रोग्राम सुना था उसमें आपने कहा कि दफातर के AC पहले चला दिए जाते हैं, कि आया अगर वो दफ्तर के AC कम टाइम के लिए कर दिए जाएं, जिस तरह शिवाज साहब जब वजीर आला थे इन्होंने टाइम किया हुआ था कि इतने बजे से इतने बजे तक सरकारी दफातर में AC चलेगा, वो खुद जो है शिवाज साहब मीनार पाकिस्तान जाके वहाँ बैठते रहे इकबाल पार्क में कि भाई कैंप लगा के, यानी खुद वो पंखी से जो है हवा लेते थे, तो वो चीज़ें करें। ये जो अफसरान जो सूट पहन के बैठते हैं अच्छी बात है, कभी साफ सुथरे रहना चाहिए, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी जो उन्होंने तालीम दी कभी अपने आप को जो है साफ सुथरा रखें, कि ये कोट की जगह ज़रूरी नहीं, कोट पहन के साफ सुथरा रहा जा सकता है, कि उसके आप AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन बच्चा हमें दुनिया के साथ भी तो मूव करना है, आप जब भी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं टाइमिंग्स फिक्स होती हैं, बल्कि यहाँ तो फिर 9 बजे है, अमेरिका में बहुत से स्टेट्स में 7 बजे बिल्कुल ऐसे लगता है कि सब खत्म हो गया, मार्केटें बंद, सब शॉपिंग मॉल्स बंद, 7 बजे आप शॉपिंग करके घर जाएं, उसके बाद सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले। आप ये देखें उसके बाद वहाँ सहूलतें कितनी हैं, हम हमारी हुकूमत ये मिसाल तो देती है
कि बाहर जो है 5 बजे बंद, 7 बजे बंद, वहाँ सहूलतें कितनी हैं। वहाँ अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार हो जाता है, हुकूमत उसका खर्चा उठाती है। अगर किसी के साथ हैपन हो गई है, हुकूमत उसके साथ तावन करती है। यहाँ हफीज सेंटर में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि भाई वो बेचारे बर्बाद हो गए, किसने पूछा जाकर उन्हें। पेस में जो आग लगी और बिल्कुल रमजान के करीब, कभी वो बेचारे बर्बाद हो गए, किसने पूछा? आम दुकानदार जिन्होंने या तो क्रेडिट पे रखा होता है या उधार लेकर रखा होता है। बात आपकी ठीक है सर, इन द एंड कोई एक मैसेज आप गवर्नमेंट के लिए देना चाहें तो वो क्या हो? मैं यही मैसेज दूंगा कि आप गुज़श्ता हुकूमत की तरह वो वक्त ना दोहराएं कि अपने मनपसंद ताजरों को बुला के और अपनी मर्जी के फैसले जो आप उनसे पास करवाना चाहते हैं, आप जो रिलेटेड बंदे हैं ना उन्हें बुला के, यानी ख्वा वो पेस का जैसे मैंने जिक्र किया और दीगर मार्केट बुला के वो फैसले करें। क्योंकि इन्होंने जिस तरह सैनमास खोले, संडे को थिएटर खोले, कि आया वो बेचारे दुकानदार जो गली मोहल्लों की परचून की दुकानें जो है बंद रहीं, जिसने एक बल्ब जलाना और एक पंखा चलाना परचून वाले ने, और उसने अपने बच्चों का रिस्क कमाना और अहले मोहल्ला ने वहीं से जाकर खरीदना और उधार भी खरीदना। और बाकी में लोग काफी परेशान हुए जी, और थिएटर थिएटर जी बिल्कुल, और परचून थोक के थिएटर में और सिनेमा में जिस तरह बिजली का लोड होता है वो बखूबी जो है जाना जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे बताने की या जो है इन्हें जरूरत नहीं। हुक्मरान माशाल्लाह खुद समझते हैं और वो अवाम की सोच थी कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब, ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब, ये बखूबी क्योंकि ये ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बखूबी जो है ये तकलीफ़ को समझेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ताजरों के मामले में ये वही गलती कर रहे हैं जो गुज़श्ता हुकूमत में की गई। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेक इतनी छोटी होती है कि आपको बात करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि मैंने सोचा कि फिर ये हम ऑन एयर ही करते हैं। और एक बड़ी डिफरेंट सी बात है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कमलुल हसन साहब मौजूद हैं जो कि MBIT एंड पर्सनैलिटी टाइप कंसल्टेंट हैं। अब मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि असल में ये होता कैसे है। वो मुझे समझाना चाह रहे थे कि इंसानों की किस्में, शख्सियात डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और 16 उन्होंने अभी कहा ही था तो आयशा ने कहा कि बस अब आप ऑन एयर आ गए हैं। तो सर, कितने टाइप की शख्सियात और किस्में होती हैं इंसानों की, और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखें, ये मैं आपको ये काट दूंगा। देखें, इंसानों की भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही किस्में बनाई हैं जिस तरह से अल्लाह ने फलों फूलों जानवरों सब्जियों की किस्में बनाई हैं, मगर ये इल्म आम नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि इस इल्म को आम किया जाए। इंसान टाइप्स में होते हैं। अगर हम अपनी टाइप पहचान लें तो हम अपने टैलेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपने ब्लाइंड एरियाज़, अपनी सलाहियतों को एक मिनट में जान सकते हैं। और अपनों को अगर हम पहचान लें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचान लें, अपने पेरेंट्स की टाइप पहचान लें, तो हम उनको डिफरेंट जाविये से देखेंगे। हमें फिर उनकी बातें अच्छी या बुरी नहीं लगेंगी, मुख्तलिफ लगेंगी। ये असल फैक्टर है। हम लोगों को जज कर रहे होते हैं, ये सही है, सही वो होता है हमारे नज़दीक जो हमारे जैसा होता है, जो हमसे जितना मुख्तलिफ होता है, चाहे वो कितना ही करीब हो हमसे, जो हमसे जितना मुख्तलिफ है हम कहते हैं ये आदमी सही नहीं है। तो ये जब हम टाइप सीख लेते हैं तो हमें लोग अच्छे या बुरे नहीं लगते, मुख्तलिफ लगते हैं और हम लोगों को पहचान लेते हैं। अग्री टू डिसएग्री वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है फिर आपको। हाँ, लोग बुरे नहीं लगते बल्कि आप कहते हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हैं लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि हमें उससे हम एक्सेलेंट। और दूसरा ये हमें लगता है कि कौन आदमी हमसे ज्यादा मुख्तलिफ है, हम उसको तलाश करते हैं ताकि वो हमें ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है वहाँ। अब जैसे अंधे की दोस्ती अच्छी लंगड़े से हो सकती है, अब दो अंधे जाएंगे तो दोनों ही इकट्ठे गिरेंगे। अपोजिट अट्रैक्ट करती है, जब हमें एक दूसरे की समझ आने लगती है तो फिर ये बातें इरेलेवेंट हो जाती हैं कि लड़ाई वड़ाई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। बिल्कुल सही, लेकिन ये जो आप बात करें ना ये कम्प्लीट पीस की बात है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन सारा साइड पे हो जाएगा, आपको गुस्सा ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, क्यों आएगा गुस्सा करने के लिए, थोड़ा टाइम ही नहीं है हमारे पास। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कि आपको पता लग जाए कि सामने वाले की टाइप क्या है, आपकी मिंटों की कहानी है, मिंटों की। अभी कैसे, अच्छा देखें, मिंटों से मुराद ये है कि इंसान को अपनी टाइप निकालने में आधा से एक घंटा लगता है। अगर आप, मैं जैसे मैं भी 5 मिनट आपसे बात करूँ मैं आपकी टाइप निकाल सकता हूँ। अच्छा, वंस वी नो अवर्स और एनीवन एल्स टाइप, हमें किसी की भी टाइप पता चल जाए
तो हम उसका 80% बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो टाइप खाली टाइप का कोड जानना है आपने, और कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं। वंस यू नो द टाइप, आप अगले को भी बगैर बातें किए उससे उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन टाइप से ऐसा लग रहा है कोई बड़ी नेगेटिव वाइब भी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, टाइप क्या होता है, मतलब कितनी टाइप्स हैं? 16 तरह के लोग हैं। आपकी क्या है, ये मेरे कैमरा ये आपके सामने जो कार्ड है इसमें सारे 16 टाइप्स को बयान किया गया है। अच्छा, और इनमें यही 16 तरह के लोग दुनिया में हैं। अच्छा, दुनिया में ब्यूटीफुल है, प्रोटेक्टर्स हैं, गाइड है, मास्टरमाइंड है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब आपने हर तरह से उसको एक्सप्लेन किया। मैंने नहीं, हाँ मैंने एक्सप्लेन किया, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई टाइप्स हैं। इसमें इंसान का, इंसान ने तो खाली अल्लाह की बनाई हुई चीज को पहचाना है, हम तो डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। ये अल्लाह ने इंसान को बनाया ही 16 तरह का है। और मेरी और हम कासिम अली शाह साहब के साथ यही मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम इस इल्म को हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा आसान भी हो जाएगा, अक्सर हम पेरेंटिंग की भी जब बात करते हैं, अपने करियर की भी जब बात करते हैं, तो यही होता है कि आप फाइंड योर ओन पैशन। सो इफ यू हैव पैशन इन योर जॉब, फिर आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड यू विल एक्सेल इन इट। लेकिन अक्सर हमारी मेजॉरिटी जो परसेंटेज है वो इसी चीज का शिकार रहती है कि डिग्री लेनी है और कमाना है, टाइप तो इसको छोड़ दें। नहीं, अपनी टाइप जानना आसान नहीं है, क्रिएटिविटी को छोड़ कोई बताता नहीं है। मतलब एक कैमरामैन फॉर एग्जांपल, कैमरामैन नहीं बनना चाहते थे लेकिन वो बन गया कि जी मुझे अच्छी सैलरी मिली है, चलो जी मैं यहाँ पे, या अच्छी सैलरी नहीं मिल रही कहीं और जॉब नहीं मिली। हाउ डू यू फिगर आउट योर ओन टाइप? देखिए, अपनी टाइप असेस करने के लिए या तो आप किसी टाइप एक्सपर्ट के पास जाएं या कोई टाइप एक्सपर्ट की वीडियो देख लें। अच्छा, कासिम अली शाह साहब ने ये किया है कि इनकी फाउंडेशन ने मेरी बहुत सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल दी है। ठीक है, और आप हैरान होंगी कि उसमें महीनों में लाखों लोगों ने उसको देखा है, और अल्लाह का बहुत करम है कि अब ये समझे हर घर की कहानी बन गई। मतलब लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है, मेरे पास आने की अब इतनी जरूरत नहीं है, लोग मेरे पास सिर्फ डेवलपमेंट या कोचिंग के लिए आ रहे हैं। असेसमेंट उनको एक घंटे की वीडियो देख के पूरी फैमिली मिल के देख रहे हैं और सबकी टाइप पता चल जाती है। ये आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, टाइप जानना बहुत आसान है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये हम स्कूल लेवल पर अगर शुरू कर दें तो बड़ा आसान होगा। जैसे हम, मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि हमारे स्कूल में काउंसलर्स होते ही नहीं है। काउंसलर्स को छोड़ दीजिए, अगर हम इस चीज के ऊपर भी फोकस कर लें तो एक बच्चे के लिए बड़ा आसान हो जाएगा स्कूल के बाद उसने क्या करना है। हाँ, उसको पता होगा कि वो किस चीज में एक्सेल करके कामयाबी लेगा। Exactly. पैसे भी कमाएगा और एंजॉय भी करेगा। एक्सेलेंट, देखिए यही तो मेरी एडवोकेसी पॉइंट ही है कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम इसी परेशानी में, भुलभुलैयों में अपनी कामयाबी तलाश करेंगे। देखिए, अल्लाह ने इंसान को बनाया ही कामयाबी के लिए। अल्लाह ने जितनी तख्लीक की है उनमें इंसान सबसे बेहतरीन तख्लीक है। तो क्या अल्लाह ने इतना कमजोर बना दिया होगा इंसान को? नहीं, अल्लाह ने हर इंसान को एक्सीलेंस के लिए डिजाइन किया। अगर वो थोड़ी सी अपनी पहचान कर ले तो अपना पाथ ऑफ एक्सीलेंस बहुत आसानी से डिस्कवर कर सकता है। फिर उसके लिए बड़ी से बड़ी कामयाबी सोचना आसान हो जाएगा। तो ये टीचर्स को सीखनी चाहिए, ये पेरेंट्स को सीखनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो। अच्छा, अब आपने पेरेंट्स का खुद जिक्र कर दिया। हाँ। चले, स्कूल्स में ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो पेरेंट्स करना चाहते हैं अपने बच्चों को असेस, कितनी एज से वो उनको स्टार्ट करना चाहिए? निगाह चाहिए, अगर पेरेंट्स जहाँ इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, अगर वो ये इल्म सीख लें, देखिए 2-3 घंटों में आप बहुत कुछ टाइप के बारे में अब सीख सकते हैं। बच्चे की कितनी एज से पता लग जाता है? आँख चाहिए देखने पहचानने वाली। अगर माँ बाप अगर बहुत मर्दम शनास हैं, तो एक दिन के बच्चे की भी टाइप बताई जा सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर बहुत ही यानी ग्रॉस लेवल पे उन्होंने सीखा है तो बच्चा खुद अपनी टाइप 6 या 7 साल में बता देगा। बच्चा खुद अपनी टाइप 6 या 7 साल में बताने के काबिल हो जाता है, या उससे भी पहले अगर बच्चे को सिखा दें। लेकिन बच्चा छोटा है तो माँ बाप को पिक करना चाहिए कि मेरा बच्चा किस टाइप का है, इंटरेस्ट किस चीज में है। हाँ, अब हमारे सामने बिल्ली बैठी हो तो बिल्ली तो नहीं कहती कि मैं बिल्ली हूँ, जब यानी हम खुद पहचान लेते हैं भाई ये बिल्ली है। हाँ। इसी तरह क्योंकि हमें पहचान है, तो माँ बाप को चाहिए कि जहाँ वो दुनिया में इर्द गिर्द चीज़ों को पहचान रहे हैं, जहाँ उन्हें पौधे की पहचान है, सब्जी की पहचान है, जानवरों की पहचान है, इंसानों की पहचान पैदा करें। बिल्कुल सही। ये उस्तादों का और पेरेंट्स का मैं कहूँ पहला काम होना चाहिए, उस्तादों का और पेरेंट्स का, इनकी जिम्मेदारी ही इंसान साजी है। बिल्कुल सही। पेरेंट्स, टीचर्स एंड मैनेजर्स, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर्स हैं, इनका तो प्राइम जॉब ही लीडरशिप डेवलपमेंट है, इंसान साजी। इनको जो सबसे पहली स्किल सीखनी चाहिए वो ह्यूमन डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी टाइप सीखनी चाहिए, ताकि ब्लाइंडली लोगों को डेवलप ना करें। हर स्किल हर एक को सीखने की जरूरत नहीं है, और हर एक के लिए होता होती भी नहीं है। तो जिसको जो चाहिए वो सिखाएं।
बिल्कुल सही। और ये आई थिंक पर्सनालिटी स्टडी और टाइप को आप बिल्कुल जिस तरह से ग्रास्प कर लेंगे उसके बाद ही समझ आएगा। और ये एबीसी की यकीन जानिए कि ये इतना वाइड है कि मैं अब चीजें सोचना शुरू हुई हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि लड़कियां अगर ये सीख लें तो अब यकीन जानिए आपके ससुराल में लड़ाइयां कम हो जाएंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी। हस्बैंड के साथ जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और हम कह रहे हैं तलाक की रेशो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। आप साइंटिफिक साइड पर जब जाते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाती है, और ये साइंस इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, अब उन इमोशंस अननेसेसरी इमोशंस से निकल आते हैं। और ये साइंस की डेप्थ इतनी ज्यादा है कि आप हर टाइप का हर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस टाइप को खुश कैसे रखना है, किस टाइप को गुस्सा कैसे आएगा, ये सब प्रिडिक्ट हो जाता है इस टाइप को जान के। वरना हम इमोशनल अटैचमेंट में ही पड़े रहते हैं, वरना हम तो बस एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही पूरा रिश्ता, वो भी गलत एक्सपेक्टेशन। यानी एक आदमी के जेब में रियाल है उससे हम रुपया मांग रहे हैं, एक के जेब में डॉलर है उससे रियाल मांग रहे हैं, वो कह रहा है भाई जो है वो ले लो, हमें तो वो चाहिए नहीं। हाँ। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हमें आजकल परेशान किया हुआ है। अच्छा, इसकी सक्सेस रेशो क्या है? 100% अभी तक पाकिस्तान में आपको इसका रिस्पांस 100%। देखिए जिसको अपनी टाइप पता चली वो तो फिर उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में आ जाती है। मुझे भी अपनी टाइप पूछनी है आपसे। मैं अभी आपकी टाइप अगर आप कहें तो ऑन एयर या ब्रेक में बता। ऑन एयर में देखिए चार सवालों का जवाब देना होता है। ये देखें ये चार डाइकोटोमीज हैं जिनमें आपको अपनी प्रेफरेंस जाननी है। ठीक है, पहली डाइकोटोमी है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट? हाँ, आप अपने आप में ज्यादा एनर्जी लेते हैं या बाहर की दुनिया से? इज दिस अ क्वेश्चन? इट्स अ क्वेश्चन। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि आप डिटेल ओरिएंटेशन में ज्यादा एंजॉय करती हैं या आप कॉन्सेप्चुअल या फ्यूचरिस्टिक ज्यादा हैं? फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल एन ई एन दो लेटर मिल गए, 50% टाइप पता चल गई। थर्ड है यू आर मोर ऑफ अ लॉजिकल पर्सन या मोर ऑफ अ वैल्यू बेस्ड पीपल पर्सन? मिक्स्ड है ये। नहीं, किसी एक को चूज करें। पैदाइशी तौर से बाई नेचर आप बचपन से यू आर मोर ऑफ अ लॉजिकल पर्सन या मोर ऑफ अ पीपल बेस्ड पर्सन? आई थिंक ज्यादा परसेंटेज मतलब 60-40 चली जाएगी, लेकिन लॉजिकल। लॉजिकल, टास्क ओरिएंटेड आप ज्यादा हैं एंड पीपल ओरिएंटेड कम है, तो फिर टी की 80% मगर ख्वातीन एफ पीपल ओरिएंटेड होती हैं, तो आपका ख्याल है यू आर अ लॉजिकल पर्सन। आई ट्राई टू बी। जो आप ट्राई करती हैं वो टाइप नहीं होती। अच्छा, हाँ टाइप तो इननेट होती है। मुझे लॉजिकल लॉजिक्स मिल जाती हैं, मैं निकाल भी लेती हूँ, कर भी लेती हूँ। जो चीज ढूंढने से मिले वो टाइप नहीं है। अच्छा, टाइप तो यू आर डिजाइन्ड दैट वे। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है। आप ज़हीन ज़्यादा हैं या ब्रेन? नहीं, ज़हीन ज़्यादा हूँ, मेहनती कोई नहीं हूँ, लोगों के अंदर कोई भी नहीं जाती हूँ, खुद ही अपने दिमाग से चलती होती हूँ। नहीं, वो तो एन हो गया। नहीं, इसमें आप टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा हैं या पीपल ओरिएंटेड हैं? अगर आपसे कहा जाए इंसानों के साथ काम करें या कोई टास्क टी। अच्छा, ऑर्गेनाइज हैं या फ्लेक्सिबल हैं? फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। अच्छा, आप देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, ई एन मिक्स हो गया FP, नहीं टाइप में थोड़ी जो टाइप छुप नहीं सकती, टाइप तो एक आ जाएगी। तो आपकी टाइप ई आपका क्लियर है, एन क्लियर है, एफ और टी में थोड़ा सा डाउट है, और जे और पी में पी क्लियर है। तो इधर यू आर ENFP और ENFP और ENTP। देखिए ENTP जो होते हैं ना वो तो टेकी लोग होते हैं, जैसे एडिसन वॉज ENTP। तो आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को पसंद करती हैं या इंसानों के साथ इंसानों के आइडियाज़ आपके जहन में ओरिजिनली आते रहते हैं, इंसानों को डेवलप करने के आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं? नहीं, इंसानों वाले, आपने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। आप ENFP हैं, आप ENFP को नेट से पढ़ लें। मैं यहाँ पे भी ढूंढ लेती हूँ, यहाँ कहीं लिखा हुआ है। ENFP की बुकलेट भी कासिम अली शाह साहब ने, डिस्कवरर होते हैं, इनको आइडिया फैक्ट्री भी कहते हैं। जी जी, आपकी टाइप एक्स्ट्रा स्क्वीज। जी, आपके सामने अंधेरा है ही नहीं, आपको किसी भी परेशानियों में डाला जाए आपको इन्हें कोई सलूशन निकाल लेंगे। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मेरी प्रोड्यूसर कान में चीख रही है कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसे ही हो। ये आपकी आपका कार्ड है, इसमें सारा आपका एक्सरे लिखा हुआ है। ओके, और ये देखें जी, बड़ा आसान है, इसको मैं इन डिटेल पढ़ूंगी, लेकिन अभी तक जो आपने बताया। हाँ, ENFP जो है ये तो बड़ा आसान है सर, एनीबॉडी कैन डू इट, एनीबॉडी कैन। और आपकी वीडियोस में ये है, वीडियो में मैंने डूज एंड डोंट्स दोनों बता दिए कि टाइप क्या नहीं है और क्या है। ठीक है, असल डोंट से थोड़ा एहतियात करनी होती है। बिल्कुल, आप बहुत आसान है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप जहाँ इतना उलूम इतने इल्म सीखते हैं, पांच तरह के चौंसे पहचान लेते हैं कि ये मुल्तान का है, ये सिंध का है,
तो यार इंसानों को पहचानना। मैं हर सिस्टर रही हूँ कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब की जो मैं सक्सेस रेशो की बात कर रही थी, आपने 100% बोला, तो ये ENFP जो है वो मेरा निकला और मैंने ऐसे ही बस एक नज़र डाली तो उसमें टॉप हेडलाइन में गई कि मुनासिब पेशे क्या हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ के लिए। और आप यकीन जानिए कि इसमें जितने के जितने लिखे हुए हैं वो सब जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, रेडियो प्रोड्यूसर, मैगजीन एडिटर, तो वो सारे के सारे मीडिया से रिलेटेड हैं। आई एम ऑलरेडी इन मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक हूं। नो वन कैन बीट ENFP इन मीडिया। मीडिया में ये लोग प्रोड्यूसर होते हैं, ये लोग एक्टर होते हैं, ये एंकर्स होते हैं, इफ दे नो देयर टाइप एंड इफ दे आर सक्सेसफुल इन देयर। देखिए, नो का मसला ये है कि जानते ही नहीं है लोग अपनी टाइप को। लोग इत्तफाकिया तौर से मीडिया में आ जाते हैं और फिर अपने आप को भी जैसे एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन है, अब वो ENFP है, उस टाइप तो नहीं पता उसको, लेकिन वो इत्तफाक से सही करियर में आ गया और जैसे इत्तफाक से आ गई। आई डिडंट नो कि मैंने मीडिया ज्वाइन करना है या जर्नलिज्म मेरे पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक जाता है। बट खैर, ये साइंस हमने आपको समझाने की कोशिश की है इतने से टाइम में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आप इसको मजीद देखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब की वीडियोज जो है वो और भी फॉलो कर सकते हैं उनको और देख भी सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मैं कहती हूँ कि कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, हमेशा सीखते रहना चाहिए, डिस्कवर करते रहना चाहिए, फायदा होता है। अपने आप को जाने बगैर जीना बेकार है, वर्थ बिल्कुल, बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर नॉट जस्ट फॉर कमिंग इन द शो बट फॉर डूइंग दिस एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड दिस नॉलेज। ये आपकी लाइफ लॉन्ग एसेट है, आप ENFP रहेंगी जिंदगी। मैं अब ये कार्ड भी लेके जा रही हूँ, मैं घर जाके ना सबको ट्राई करूंगी। पर्सनैलिटी टाइप जो है वो बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजन। इससे पहले हम सेगमेंट कर रहे थे जब मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, और काफ़ी रिजर्वेशन जो हैं वो ताजरों के साथ साथ आम आवाम की भी सामने आई। सोशल मीडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इतवार के रोज़ मार्केट्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बेकरीज बंद करने से कौन सी बिजली बच रही है या इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, तो यही जानने की कोशिश कर लेते हैं। कमिश्नर लाहौर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, कैप्टन ट्रैड मोहम्मद उस्मान, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। जी कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, ये कहिएगा कि इतवार के रोज मार्केट्स, ग्रॉसरी स्टोर खासतौर पर बंद, बेकरी बंद, आवाम काफी परेशान रही, आपके डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। देखिए जी, तनकीद दोबारा फोन करिए क्योंकि उनकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं चाह रही हूँ कि उनकी आवाज हम तक ठीक से पहुंचे ताकि एक जो मकसद है, क्योंकि तनकीद तो हर कोई करता है, एतराज भी सब कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद क्या है इसके पीछे, उसके पीछे वजह क्या है, हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी लेना बहुत जरूरी है। तो आयशा, उनको दोबारा एक दफा फोन कर लें ताकि उनकी आवाज क्लियर हो जाए। और फिर मार्केट्स 9 बजे बंद होने के हवाले से भी ताजर बिरादरी काफी परेशान लग रही है, लेकिन मैं इसके हक में हूँ क्योंकि सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, हमें अपनी आदत खुद बदलने की जरूरत है। हक में इसलिए भी हूँ कि दुनिया में इसकी मिसालें और मॉडल्स मौजूद हैं जो इसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो थोड़े से अनपॉपुलर होते हैं। अनपॉपुलर से मुराद कि आवाम की सपोर्ट पूरी तरह से उस पर नहीं सामने आती है, लेकिन उसकी वजूहात जानना भी ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मौकफ जो है वो लोग सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अगर ये सारे डिसीजंस लिए हैं तो वो किन बेसिस पर लिए हैं, किन वजूहात के ऊपर लिए हैं। और यही बात हम कमिश्नर साहब से पूछ रहे थे, लेकिन सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही थी। और नाज़रीन, उनसे रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये बताएं कि जो नया नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक मार्केट से लेकर थोक परचून की दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर्स, ये सब चीज़ें बंद रहीं। हाँ, फार्मेसीज को खुला रखा गया, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उन सबको खुला रखा गया। फिर इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की जितनी चीज़ें हैं, चाहे उसमें थिएटर है, सर्कस है, सिनेमा है, उनको खुला रखा गया। तो फिर कंपैरिजन में लोग चले गए कि सिनेमा क्यों खुला है,
और ग्रॉसरी स्टोर क्यों बंद है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा गया। और कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैप्टन साहब, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ रही थी, वहीं से अर्ज कीजिएगा जो आप कह रहे थे। अब आ रही है आवाज़? जी अब बिल्कुल ठीक आ रही है। जी प्लीज़। जी कैप्टन साहब, आप बता रहे थे कि वजह क्या है, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर तो ये गुजारिश करूंगा कि ये जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान बनाया है, इट इज नॉट अबाउट क्लोजिंग डाउन बिजनेसेस एंड इट इज नॉट अबाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पीपल। देखिए, हम बुनियादी तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को किसी डिसिप्लिन में डाल लें। इस बहाने से पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएं आपको एक दस्तूर नजर आता है, मार्केट्स शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। इवन डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पर एनर्जी का या इस तरह के क्राइसिस नहीं है, वहां पर भी शाम को 6 बजे के बाद आपको, आपने देखा होगा, कुछ लोग हो सकता है ये आर्ग्यू करें कि पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है तो 6 बजे के बाद तो यहाँ पर अभी दिन होता है, तो उसी तनाजुर में ये 6 बजे का वक्त जो है वो रात 9 बजे तक रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस पे अपनी ज़िंदगी को ले आएंगे तो ये बहुत आसानी हो जाएगी। हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है आज से 25-30 साल पहले लाहौर या पंजाब या फॉर दैट मैटर किसी भी पाकिस्तान के इलाके में रात को 9-9:30 बजे के बाद एक दफ़ा आपको लगता था कि बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया जी, जी, जी। और उस वक्त भी हम इसी तरह की इमरजेंसीज को डील करते थे, उस वक्त भी इस तरह की चीज़ें थी जो एसेंशियल सर्विसेज आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होती थी, आपको अस्पतालों के सामने मेडिकल स्टोर्स खुले हुए नजर आते थे जिनके ऊपर आपको कोई इमरजेंसी की चीज़ उस वक्त मिलती जाया करती थी। एज सच बेढंगी नहीं थी, यानी कि आपको बहरहाल जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन कैप्टन साहब, संडे को थोक परचून, जनरल स्टोर, बेकरीज बंद, काफी लोग परेशान रहे, आपने देखा होगा। एक मैं जी बिल्कुल बिल्कुल परेशानी की शायद ये वजह होगी कि शायद उसमें किसी का किसी सेक्टर की तरफ से कोई कंफ्यूजन रही होगी। सैटरडे का दिन जो है वो लंबा खोला गया है, सैटरडे को किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसी तनाजुर में कि लोग पूरा हफ्ता काम करें, सैटरडे को अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले, खाना भी देर तक बैठ के खाएं, जनरल स्टोर पे भी और किराने पर भी शॉपिंग करें, ये सब कुछ है जहन के अंदर जिसकी वजह से ये रखा गया है। अब हमारा जो कानून बना हुआ है इत्तेफाक से वो 1 वीक में एक हॉलीडे को एनविसेज करता है, यानी कि एक छुट्टी को एनविसेज करता है। पंजाब के 36 अजला में तकरीबन 6 अजला ऐसे हैं जहाँ पर संडे की छुट्टी होती है और 30 अजला ऐसे हैं जहाँ पर फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो अकॉर्डिंगली जो उन शहरों का मिजाज है वो उसी हिसाब से चलता है। हम अगर सही कैप्टन साहब, टाइम हमारे पास माजरत के साथ खत्म हो गया, लेकिन आई एम श्योर आपका पॉइंट जो है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचा होगा। इसके साथ ही नाजन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।